कांग्रेस नेता अरुण यादव की दावेदारी खत्म होने के बाद कांग्रेस में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। इसके तहत जयश्री के साथ पूर्व विधायक राजनारायण सिंह का नाम भी काफी चर्चा में है। ऐसे में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह ठाकुर से टिकट दावेदारी को लेकर सीधी चर्चा की अनादि टीवी संवाददाता अंकुर दुष्यंत पारसर ने। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और जैसे ही अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से अपनी मनाही की उसके बाद से ही समीकरण जो है वो खंडवा लोकसभा के लिए बदल गए हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो नाम निकलकर सामने भी आए हैं, राजनारायण सिंह की बात करें या फिर हम जयश्री सिंह की बात करें। हमारे साथ में जयश्री सिंह के हस्बैंड और कहें कि निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेहरा जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आपने मांग की थी टिकट की अपनी वाइफ के लिए और जिस तरीके से लगातार गतिरोध बना हुआ था कि अरुण यादव का टिकट लगभग फाइनल है, अब जब वो उन्होंने मना किया तो क्या मान रहे हैं कि कांग्रेस अब फाइनल कुछ नहीं था भैया, किसने बोला फाइनल? में तो दो तीन दिन पहले भी प्रेस के भाइयों ने पूछा था कि फाइनल में कहां है बी फॉर्म, किसके हाथ में? फाइनल तब होता है जब बी फॉर्म उस पर्टिकुलर पार्टी का टिकट उसके हाथ में होता है, तो मानूंगा फाइनल है। भाई दो लोगों के नाम चल रहे हैं शुरू से, अरुण भाई यादव का और जयश्री सुरेंद्र ठाकुर का। अब दो उम्मीदवार पे सर्वे हुआ है, दो लोगों के नाम चले हैं। अब उसमें अरुण भाई ने पारिवारिक कुछ कारण से नहीं लड़ने की मतलब असमर्थता दिखाई है कि नहीं लड़ूंगा मैं, तो अब एक ही नाम लेके जयश्री सुरेंद्र ठाकुर। अब हाईकमान जो है कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर है, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय भूरिया जी, आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय विजय लक्ष्मी साधो जी, जितने भी बड़े लीडर्स हैं हमारे, वो लोग तय करे और सोनिया जी और राहुल जी को कन्विंस करके टिकट लाए और चुनाव लड़ाए और सब मिलकर चुनाव लड़े। क्योंकि आप टिकट की दावेदारी कर रहे थे पत्नी के लिए और जिस तरीके से अगर पूरी लोकसभा की बात की जाए तो क्या तैयारी है आपकी, अगर आपको टिकट मिलता है कांग्रेस से और उम्मीदवार बनाती है कांग्रेस? ऐसा है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने सर्वे करवाया है और सर्वे जो होगा वो आम आदमी के बीच में होगा। आम आदमी की आवाज एक ही है, जो पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ, अगर सर्वे सही होगा तो एक ही नाम आएगा, जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर को। बिल्कुल सतत कार्यक्रम होता है कांग्रेस पार्टी में, जिस तरीके से लगातार जो गतिरोध बना हुआ था कि लोकसभा खंडवा की जिस तरीके से सूची जारी होनी है उस सूची में किन किन लोगों के नाम होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब जब अरुण यादव ने चुनाव लड़ने मना किया है कि चुनाव वो नहीं लड़ना चाहते उनके पारिवारिक कारण है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर का नाम जो है जोर शोर से इस पूरी सूची में लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ दुष्यंत पारसर, अनादि टीवी, भोपाल। मध्य प्रदेश के गुना में पकड़ी गई 6.5 लाख की ड्रग्स की खेप को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि प्रदेश के छोटे से कस्बे में पकड़ी गई 6 लाख की ड्रग्स की खेप कहीं मुंदड़ा पोर्ट कांड की सप्लाई तो नहीं है, जहाँ से लाखों करोड़ों का ड्रग टेलकम पाउडर के नाम पर निकला है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ड्रग्स की ट्रेवल हिस्ट्री की जाँच करे ताकि देश को उड़ता भारत बनाने वाले दुश्मन बेनकाब हों। गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले और इसलिए इसमें नशे के धन को दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। गुप्ता ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो सरकार को नशे के कारोबार पर सख्त होने के निर्देश दें ताकि चुनाव को काले धन की छाया से बचाया जा सके। देश में हीरोइन के जखीरे पकड़े जा रहे हैं, उड़ी में, बंबई में और अब गुना में 6.5 लाख रुपए की स्मैक पकड़ी गई। क्या मध्य प्रदेश तक भी जो है मुंदड़ा पोर्ट का माल आ रहा है? इस बात की जांच मध्य प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, इसकी ट्रेवल हिस्ट्री पता करनी चाहिए। पूरे देश में नशा फैलाने का कहीं ये कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र तो नहीं है? राष्ट्रभक्तों को कम से कम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करनी चाहिए और इस बात की निंदा करनी चाहिए कि मध्य प्रदेश को उड़ता मध्य प्रदेश बनाने के जो प्रयत्न हैं सरकार उनको हताश करने के लिए क्या कर रही है। ये सरकार को जवाब